अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज बात करते हैं PSL सीज़न 8 की। इससे पहले ड्राफ्टिंग के मौके पर जावेद अफरीदी जो कि पिशावर जमीन के ओनर है उन्होंने कुछ एहतजाज का फैसला किया, खामोश एहतजाज का फैसला किया PCB तमीज राजा से। कराची पिशावर में इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB हकाम से नाखुश। पिशावर जमीन के ओनर जावेद अफरीदी ने खामोशी एहतजाज का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि पिशावर जमीन के ओनर जावेद अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वें सीज़न के लिए कराची में शेड्यूल ड्राफ्ट में शिरकत नहीं करेंगे, अलबत्त फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम करेंगे। गुज़िश्ता दिनों मेरी से गुफ्तगू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीद राजा और CEO फैसल हसनैन ने इशारा दिया था कि शहर और सूबे खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की क्रिकेट मुतमईन नहीं और वहाँ खेलना नहीं चाहते। इस पर पिशावर में शदीद रद्द अमल सामने आया और सूबाई अपोजिशन पार्टीज ने भी रमीद राजा के बयान की मजम्मत की थी। कबल अज पिशावर के हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की तहवील में देने का फैसला किया था। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसल हसनैन ने कहा था कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने सफरी हिदायत के बायस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान खेलने नहीं जा सकते, जबकि बेशतर खिलाड़ी इन जगहों पर खेलने से ग्रेस करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से पहली बार PSL के ड्राफ्टिंग कराची में मुनक़िद करवाई जा रही है। वादे रहे कि PSL का 8वां एडिशन 9 फरवरी से 19 मार्च तक लाहौर, मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में खेला जाएगा। मज़ीद इस तरह न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ खेलते देर आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।